भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं द्वारा रखा जाता है। पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए हल षष्ठी का व्रत बेहद खास माना गया है। ऐसे में इस साल 5 सितंबर 2023 को हल षष्ठी का व्रत रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हल षष्ठी के व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हल षष्ठी व्रत वाले दिन महिलाओं को महुआ की दातून करनी चाहिए। हल षष्ठी के व्रत में भोजन बनाते वक्त चमचे के रूप में महुआ के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करें। हल षष्ठी पर फलाहार करने के लिए महुआ के पेड़ के पत्ते के बने दोने और पत्तल का इस्तेमाल करें। हल षष्ठी के दिन हल्की जोती हुई कोई भी खाने की चीज़ का इस्तेमाल ना करें। फलाहार करने के लिए पचहर चावल, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही और घी, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इस दिन आपको बच्चों और जानवरों का खास ध्यान रखना है, इन्हें खाने के लिए मनपसंद चीज़ें दें। वहीं हल षष्ठी के दिन खेत में या फिर हल चली भूमि पर भूल से भी पाँव न रखें। हल षष्ठी के दिन हल चले जमीन का अन्न, फल और साग सब्जियों का इस्तेमाल ना करें। जो व्रत नहीं करते उनको भी इस दिन इन्हीं चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी के दिन तामसिक भोजन और प्याज लहसुन से दूर रहें, न बनाएं और ना ही खाएं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को गाय के दूध, दही और घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन गाय की सेवा करना श्रेष्ठ माना गया है। भूल से भी इस दिन झूठ ना बोलो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।